प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली समिति ने भारत को नाटो मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन प्लस में शामिल करने की सिफारिश करके दुनिया को चौंका दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत साउथ ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई देशों व गल्फ कंट्री में अपनी छवि की ब्रांडिंग कर चुका है। इस प्रकार पूरब के साथ ही अब पश्चिमी देशों में भी नए भारत का सूर्य उम्मीदों की किरण बनकर दमक रहा है। शायद यही वजह है अमेरिका भी भारत को नाटो का हिस्सा बनाना चाहती है। नाटो प्लस फाइबर एक सुरक्षा व्यवस्था है जो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और दक्षिण कोरिया को वैश्विक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए साथ लाती है। भारत को इसमें शामिल करने से इन देशों के बीच खुफिया जानकारी निर्बाध तरीके से साझा हो पाएगी और भारत की बिना किसी समय अंतराल की आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच बन सकेगी। अमेरिका और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा संबंधी सदन की चयन समिति ने भारत को शामिल कर नाटो प्लस को मजबूत बनाने समेत ताइवान की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए एक नीति प्रस्ताव पारित कर दिया। इस समिति की अगुवाई अध्यक्ष माइक गालाघर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने की।